हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परीशाज व्लॉग। गाइस, आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है व्हाट्स इन माय बैग। तो चले आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि व्हाट्स इन माय बैग। तो ये बैग जो है मैं अपने पास ही रखा हुआ है, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पर रख लेती हूँ तकिया, पिलो रखती हूँ, उसके ऊपर बैग रखती हूँ ताकि आपको बैग नज़र भी आए और आपको मैं सारी चीज़ें आसानी से खुल के जो है वो शो कर सकूँ। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले जो है ये वाला तकिया अपनी गोद में रखूँगी और उसके ऊपर रखूँगी बैग ताकि आपको प्रॉपर जो है मेरा बैग नज़र आता रहे। और सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो एक चीज़ बताऊँ कि ओके गाइस, तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप लोग मेरे व्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है मार्केट पहुँची हुई होती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूरत की ऐसी चीज़ जो है लेनी पड़ जाती है कि मुझे जाना पड़ता है। तो उन चीज़ों के लिए जो है मैं अपना ये छोटा बैग साथ कैरी करती हूँ। इस बैग में जो है मैं कैश और जस्ट मेरा फ़ोन होता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट ही मुझे लगते हैं और उस दौरान मुझे वापस आना होता है। जो दूसरा बैग है इस बैग को अब मैं रखती हूँ और आपको दूसरा बैग दिखाती हूँ कि मेरा जो दूसरा बैग है उसमें मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है। और वो बैग में ज़्यादातर अगर मुझे जो है आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए या अपनी सिस्टर के घर जाना हो, इसके अलावा जो है अगर कहीं ट्रिप पे जाना हो, तो वहाँ पे मैं वो बैग कैरी करती हूँ। और आपको बताऊँगी आज और सब कुछ दिखाऊँगी कि मैं अपने बैग में जो है कौन सी चीज़ जो है कौन कौन सी चीज़ें कैरी करती हूँ, मेरे बैग में क्या होता है। तो ये वाला जो मेरा बैग है, अच्छा ओके ओके गाइस, आपको ये बताना मैं भूल गई कि ये वाला जो इसमें सारी चीज़ें जो है मैंने वैसी फेंकी हुई होती हैं। सारी चीज़ें क्या, बस दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही होती हैं, कैश और फ़ोन और कुछ टिश्यूज़ वगैरह। और कैश भी जो है वो मैं इसमें वैसे ही डालती रहती हूँ, इसमें मैंने अलहदा से कोई वो वॉलेट वगैरह नहीं रखा हुआ। तो बाकी मेरा जो दूसरा बैग है उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा देर के लिए भी कहीं जाना हो, यानी कि 2 से 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, इवन के मार्केट भी अगर ज़्यादा घंटों के लिए कुछ ज़्यादा शॉपिंग करनी हो और जाना हो, तो मैं जो है फिर ये वाला बैग जो है साथ कैरी करती हूँ, ये वाला बैग। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ सिटी जाना हो या स्टे के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं ये वाला बैग साथ कैरी करती हूँ। तो वैसे तो जो है मैं बैग चेंज करती रहती हूँ, और हर लड़की ही ज़ाहिर है के और आई थिंक कि हर लड़की ही अपना बैग जो है कुछ टाइम के बाद चेंज करती ही है। गाइस, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला बैग। ये बैग जो है मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, जीन्स का ये बैग है। ये बैग जो है मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये बैग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार है मुझे इस बैग से। ये बहुत माशाल्लाह से अच्छा प्यारा खूबसूरत बैग है, ब्रांडेड बैग है ये। और मैं आपको अगर ये इस तरह सारा दिखाऊँ तो ये ओके गाइस, तो हर इंसान जो है वो अपनी ज़रूरत के तहत जो है कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करता है। तो ज़ाहिर है कि हर बंदे की अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती हैं, हर इंसान की चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करती हूँ या मेरे बैग में होती है वो दूसरों के बैग में भी वही चीज़ें हों, क्योंकि हर इंसान की जो है ज़रूरत वो डिफरेंट होती है। फिर मुझे ट्रेवल करना पड़े या जाना पड़े, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करती हूँ वो मैं आपको सारी इसमें से निकाल के दिखाऊंगी कि व्हाट्स इन माय बैग। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि आजकल मैं ये वाला बैग जो है कैरी कर रही हूँ, और इस टाइम पर ये काफ़ी बल्की हुआ है क्योंकि काफ़ी भरा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन आपको साथ ये भी बताऊं कि कोई भी चीज़ जो है वो फालतू नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मेरी सारी ज़रूरत की हैं। क्योंकि अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो मैं पहले से इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी,
लेकिन हमेशा जो है मैं जब बैग कैरी करती थी तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं चेक करती थी, मेरे बैग में नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो है, आज से कुछ साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर से अपना बैग में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना स्टार्ट किया ताकि मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे जब भी कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं इजीली अपने बैग से जो है निकाल के यूज़ कर सकूँ। ये है जी मेरा किस्सा और मेरी कहानी। ओके गाइस, तो मेरा जो ये बैग है इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, और इसमें जो है वो चार पॉकेट्स भी हैं, वो जो छोटी छोटी खुफिया खुफिया पॉकेट्स होती हैं बैग के अंदर के, जिसमें हम कोई चीज़ रखें तो इतनी आसानी से दूसरा बंदा उसको नहीं पकड़ सकता, तो वो भी हैं इसमें। ओके गाइस, तो मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के व्हाट्स इन माय बैग। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा टाइम आपका मज़ीद थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा छोटू सा लूँगी, और वो ये कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो मेरी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक ईज़िली नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चले जी व्हाट्स इन माय बैग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट्स इन माय बैग। ओके जी, तो ये है बैग। ओके जी, तो मैं आपको अगर इधर से जो है मैं सबसे पहले इसकी ज़िप को ओपन करती हूँ और इसको सारा अगर इस तरह से ओपन करके मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। अच्छा ओके गाइस, मेरा बैग जिस तरह पड़ा हुआ था मैंने एज इट इज़ वैसे ही उठा के आप लोग साथ आज शेयर करूँगी कि मेरे बैग में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से अगर दिखाऊँ अपना बैग, इन सारी चीज़ों को जो है मैं वन बाय वन जो है बाहर निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे बैग में, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बैग में जो है ब्रश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बैग में होना, कि किसी भी टाइम जो है अगर ब्रश करना पड़ जाए ब्रश हमारे पास होना चाहिए जी। आफ्टर दैट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, और सब जो यूट्यूबर्स हैं उनके बैग में ये चीज़ मस्ट होती होगी। तो जी हाँ, मेरे बैग में भी है और वो है जी ट्राइपॉड। तो ये मैंने इधर से निकाला है, वैसे छोटा सा है, कहीं आप ये ना समझिएगा कि इधर उधर पास रखा हुआ था। तो ये मेरे बैग में जो है, काफ़ी मेरा बड़ा बैग है तो इसमें सारी चीज़ें मेरी आ जाती है। ये है मेरा छोटू सा ट्राइपॉड, यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को लगा के तो फिर जब बाहर मुझे कुछ भी जो है वीडियो वगैरह बनानी हो तो इस ट्राइपॉड में बनाती हूँ, ट्राइपॉड में लगाती हूँ फ़ोन और बनाती हूँ। ये वाला ट्राइपॉड जो है ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू माय डियर सिस्टर। तो ये ट्राइपॉड। ओके जी, इसके अलावा जहाँ पे ट्राइपॉड होगा तो वहाँ पे ये मैंने आपके सामने अभी बैग से पहले निकाला था, एक मिनट बैग को मैं रखती हूँ यहाँ पे। तो ट्राइपॉड के साथ साथ मैं अपने साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट और लाजमी चीज़ है वो है मेरा माइक। तो माइक रखना भी उतना ही ज़रूरी है। माइक मेरे पास मेरे बैग में हर टाइम होता है क्योंकि माइक के बगैर जो है किसी भी यूट्यूबर का गुजारा नहीं हो सकता। तो माइक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जी पास रखना।
ओके गाइस, तो इन दो चीज़ों के अलावा मेरे बैग में है जी ये वाला बॉक्स। वैसे तो ये ज्वेलरी बॉक्स है इसमें। ओके गाइस, ये वैसे तो है ज्वेलरी बॉक्स, लेकिन मैंने इसमें जो है अपनी पिने रखी हुई होती है अपने बैग में। तो ये वैसे मेरा ज्वेलरी बॉक्स बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। वैसे काफ़ी टाइम से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसके ऊपर से ये कुछ जो है उतर चुके हैं, ये वाले स्टोन्स जो हैं, ये वाले स्टोन्स जो हैं काफ़ी इसमें से जो है बेचारे में से उतर गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो है मैं अपनी ये वाली जो पिने होती हैं, ओके, तो ये वाली बाल पिने भी हैं ब्लैक वाली इसमें मेरी, और ये सेफ्टी पिने भी, ये वाली सेफ्टी पिने भी इसमें अपने साथ जो है कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं सारी चीज़ें अपने साथ रखती हूँ। नेक्स्ट जो है गाइस, ब्रश जो है, ब्रश अभी मैं आपको इसमें से कुछ बाल भी मेरे नज़र आ रहे होंगे, तो ब्रश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रश जो है, ब्रश का होना भी मेरे बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्रश भी मेरे अपने पास जो है रखती हूँ। और इसके अलावा जो है मेरे बैग में वाइप्स जो हैं, वैसे वाइप्स हर कोई रखता होगा, क्योंकि वाइप्स के बग़ैर भी गुजारा नहीं है। वाइप्स जो हैं किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इंसान बाहर से जब कोई खाना पीना करे तब भी, और वैसे भी अगर कोई डस्ट वगैरह पड़ जाए तो हैंड जो है बंदा क्लीन कर लेता है, फेस जो है साफ़ कर लेता है। तो मेरी कैट के बच्चे जो है, कैट के बेबीज़ ने भी रोलर डाल दिया है, वो वाइप्स जो है मैं अपने साथ लाजमी कैरी करती हूँ, और वाइप्स भी मेरे बैग में हर टाइम एनी टाइम जो है होते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी मेरा ये वाला पाउच। तो इस पाउच में मेरी कुछ मेकअप की चीज़ें होती हैं जो अपने साथ कैरी करती हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस कुछ लिपस्टिक्स और हैंड क्रीम मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये हैंड क्रीम और ये कुछ हैं लिप ग्लॉस, कुछ लिप ग्लॉस हैं गाइस। और इसके अलावा जो है निविया की ये चिपस्टिक भी अपने साथ में कैरी करती हूँ, क्योंकि विंटर्स हैं और होंठ जो है काफ़ी समटाइम्स जो है ड्राई हो जाते हैं। तो ये मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो इसको भी मैं अपने साथ कैरी करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। इसके अलावा जो है ब्लश ऑन वगैरह जो है वो भी मैं अपने साथ रखती हूँ, और उसके लिए मैं फिर अपने एक ओनली एक जो है ब्रश अपने साथ कैरी करती हूँ, और इसके अलावा बस यही एक लिपस्टिक जो है वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ पिंक वाली। ओके गाइस, तो मेरे पाउच में सन ब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। कौन कौन ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करते हैं गाइस, मुझे बताइएगा ज़रूर, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग ये सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं उनसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये वाला सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा सन ब्लॉक है ये, शुरू से जो है यही वाला सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। यूवेल का सन ब्लॉक है ये, एक मैं हर टाइम में रखती हूँ हर टाइम, तो इसके बगैर जो है कहीं पे भी मैं ट्रेवल करना कभी भी नहीं चाहूँगी। तो सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग जो लोग ये वाला यूज़ नहीं कर रहे हो उनसे ज़रूर कहूँगी मैं कि ये वाला आप लो और लाजमी ट्राई करो। कभी भी जो है मैं कहूँगी कि ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा, और कभी भी आपको रिग्रेट्स नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि आपके पैसे ज़ाया गए हैं, इतना अच्छा सन ब्लॉक है ये। तो
अच्छा जी, ये है मेरा मस्कारा जो है वो भी, और लाइनर, लिक्विड लाइनर जो है वो भी मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ। ये लाइनर है गाइस, और एक और चीज़, नेल पेंट। नेल पेंट जो है वो मैं अपने पास लाजमी इसलिए रखती हूँ गाइस कि ज़्यादातर आपने मुझे देखा भी होगा कि मैं जो है ज़्यादा घर में जब होती हूँ तो नहीं यूज़ करती हूँ नेल पेंट, क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और मुझे उलझन होती है एक नेल पेंट से और एक ज्वेलरी से, तो इसलिए ये दो चीज़ें फिर मैं अपने साथ बैग में कैरी करती हूँ। नेल पेंट या ज्वेलरी जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, तो फिर मैं बैग में से निकाल के कर लेती हूँ, तो जो है इसलिए ये दो चीज़ें जो है मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। और अब मैं आपको अपना ये वाला ज्वेलरी बॉक्स भी दिखाती हूँ। तो ज्वेलरी थोड़ी सी मैं अपने साथ छोटू छोटू वाली कैरी इसलिए कर लेती हूँ, आप देखा होगा कि मैंने कानों में अक्सर जो है कुछ भी नहीं पहना होता, और वो इसीलिए कि मुझे उलझन होती है कानों में अगर मैं कुछ पहनूँ, तो साथ कैरी ज़रूर कर लेती हूँ कि कहीं पे जो है कुछ पहनना पड़ जाए तो। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटी छोटू वाली चीज़ें जो है मेरे साथ, ये देख, उसके अलावा ये, हैं जो मैं अपने साथ बैग में कैरी कर लेती हूँ क्योंकि समटाइम ज़रूरत पड़ ही जाती है। और इसके अलावा जो है, अब मैं आपको एक जो चीज़ दिखाने लगी हूँ, शायद ही कोई किसी के बैग में वो होता होगा, या शायद ही कोई बाहर जो है घर से बाहर इन चीज़ों को यूज़ करता होगा, तो ये जो है ये छोटा जो टावल वाला हैंडकरचीफ होता है, छोटा टावल जिसको कह लें आप, वैसे इस टाइम पे इसकी हालत थोड़ी खस्ता बनी हुई है, लेकिन ये मैं इसलिए गाइस साथ बैग में रखती हूँ कि मेरी आदत है कि जब घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाते हैं तो शूज़ जो होते हैं, कोई भी शूज़ जो हमने, चाहे वो ओपन शूज़ हैं या वो बंद शूज़ है, कुछ भी पहनना होता है फुटवेयर, तो जब उस पर कोई डस्ट या मिट्टी वगैरह लग जाए तो वो मैं इससे साफ़ करती हूँ। तो ये मैं ज़्यादा साथ जो है इसलिए कैरी करती हूँ कि मुझे अपने शूज़ को, फुटवेयर को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो ये मैं अपने फुटवेयर के लिए पास लाजमी रखती हूँ। मेरा नहीं ख्याल गाइस कि किसी कोई और इस तरह से ये चीज़ करता होगा, लेकिन मैं करती हूँ। और वही बात कि हर इंसान जो है उनकी अपनी आदत होती है, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो और जी ये है मेरे सन ग्लासेस भी मेरे बैग में आपको लाजमी मिलेंगी, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये हैं जी मेरे सन ग्लासेस, और ये भी मेरे साथ होते हैं मेरे बैग में। ओके जी, तो ये थे मेरे सन ग्लासेस। सन ग्लासेस तो वैसे हर जो लेडी है उनके बैग में होते ही होंगे, तो अब जो है, ओके जी, तो ये है मेरा वॉलेट, ये वाला जो है मैं अपने इस बैग में साथ कैरी करती हूँ। तो ये जो है ये वॉलेट मेरे लिए था मरी से, और इस टाइम पे मुझे काफ़ी पसंद आया था तो मैंने ले लिया, तो इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ही कैश जो है मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू माय ज़रूरत, तो ज़रूरत के तहत जितना चाहिए हो उतनी, जितनी मुझे ज़रूरत होती है पैसों की, उतना ही कैश मैं अपने इस वॉलेट में अपने साथ कैरी करती हूँ।
तो ये है जी मेरा वॉलेट, और अब देखते हैं ये इसमें जो है। ये मेरे पास एक बहुत छोटू सा क्यूटी सा बॉक्स था, तो इसमें मैं अपने साथ तस्बीह रखती हूँ। तो ये है मेरी तस्बीह जो मैं अपने साथ इस वाले बॉक्स में रखती हूँ। और आपको मेरे बैग में कुछ पेंस भी मिलेंगे, बॉल पॉइंट और पॉइंटर वगैरह, जो सम टाइम इनकी भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बैग में हर चीज़ जो है वो रहे। तो अब जो है दूसरी अंदर वाली पॉकेट्स में देखते हैं। ओके, तो अंदर वाली जो पॉकेट्स हैं इसमें जो है मेरी वॉच जो है, पहनती नहीं हूँ लेकिन बैग में साथ ज़रूर रखती हूँ, कभी कभी पहन भी लेती हूँ, लेकिन मेरी वॉच। इसके अलावा पेनाडोल टैबलेट्स जो हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी इसमें से जो है खाई जा चुकी हैं, तो ये जो है ये भी अपने साथ में बैग में रखती हूँ। इसके अलावा जो है मेरी, इसके अलावा मेरी कुछ पौनियाँ भी होती हैं, और केचर तो मेरा यहाँ पे मस्ट होता है कि किस टाइम मुझे बालों में लगाना पड़े, तो मैं इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती हूँ। अक्सर तो मेरे बालों पे लगा होता है, फिर मैं ढूंढ ही रही होती हूँ। तो बैग जो है ये आप देख सकते हैं कि सारा मैंने खाली कर दिया है सारा। ये मेरा वॉलेट, सारा बैग, सारी पॉकेट्स जो है वो खाली हो चुकी हैं। ओके गाइस, तो ये था मेरा व्हाट्स इन माय बैग। आज की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि बैग की सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ और बैग इस टाइम पे बिल्कुल खाली हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको पता तो होगा कि आपने क्या करना है। जी हाँ, आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर, और करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि इन दोनों में पैसे बिल्कुल नहीं लगते, फ्री है। तो और अगर आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से किसी की हेल्प हो सकती है तो कर देनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।